ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साई संदेश, जब भी आंखें खुलें सबसे पहले हमें उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करनी चाहिए और हमें अपने दिन की शुरुआत उस मालिक के शुक्रिया से ही करनी चाहिए। उनका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक और नया दिन दिया है हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जिस घर परिवार के लोग सबसे पहले उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, उस घर परिवार पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। और जिस घर परिवार में सुख और शांति है, कलेश नहीं होता, उस घर पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी सदैव बनी रहती है। क्योंकि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, माँ लक्ष्मी जी सदैव उस घर में निवास करती हैं। सबसे अहम रिश्ता है पति पत्नी का। जब दो लोग जुड़ते हैं तो एक परिवार बनता है और उस परिवार को चलाने की जिम्मेदारी दोनों की बराबर होती है और दोनों ही तन मन से अपने परिवार की हर जिम्मेदारी को निभाते हैं। पति अगर बाहर से धन कमाता है तो पत्नी उसी धन से उस परिवार का गुजारा करती है और कुछ थोड़े में से थोड़ा बचाकर अपने भविष्य के लिए संचित करती है कि बुरे समय में काम आ सके। और इंसान को भविष्य के लिए थोड़े में से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब बुरा वक्त दस्तक दे, तो जो आपने संचित किया है वो आपके बुरे समय में काम आएगा। और समझदार स्त्री बिल्कुल ऐसा ही करती है। पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है घर परिवार को चलाने की, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को सही संस्कार और सही व्यवहार देने की, अच्छी परवरिश देने की। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, अच्छे संस्कार दें। क्योंकि अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार से ही इंसान की पहचान बनती है। भले ही आप अपने बच्चों को कुछ दें या ना दें, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार ज़रूर दें क्योंकि ये सदा उनके जीवन में काम आएगा। अगर आज आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो वो गुलाब के उस फूल की तरह है जो सदा आपके जीवन को महकाते रहेंगे। लेकिन अगर आज आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ना दे पाए तो वो एक कांटे का बीज आप अपने बच्चों के जीवन में बो दोगे जो सदैव आपको चुभता रहेगा। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश देनी चाहिए। और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो उम्र के इस पड़ाव पर कदम रखते हैं कि वो सही गलत का अंतर नहीं जानते। और गलतियां बड़ों से भी होती हैं, गलतियां बच्चों से भी होती हैं, लेकिन कभी माता पिता को अपने बच्चों पर क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध से किसी समस्या का हल नहीं निकलता है। और कभी कभी बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं क्योंकि इस उम्र में बच्चों को एक सच्चे मित्र की ज़रूरत होती है और माता पिता से सच्चा मित्र कोई और नहीं हो सकता। इसलिए अपने बच्चों के सच्चे और प्यारे मित्र बनकर उनके मन का हाल जाने, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें सही गलत का अंतर बताएं तो बच्चे ज़रूर समझ जाते हैं क्योंकि इस समय उन्हें प्रेम और साथ की ज़रूरत होती है जो कि एक मित्र दे सकता है। और माता पिता से सच्चा और अच्छा मित्र बच्चों का कोई और नहीं हो सकता। इसलिए अगर बच्चे से कोई गलती हुई है तो क्रोध कभी ना करें क्योंकि क्रोध से किसी समस्या का हल नहीं मिलता है। लेकिन प्रेम से अगर आप अपने बच्चों को समझाएंगे तो वो ज़रूर समझ जाएंगे और चिंता की कोई बात नहीं है। आपके बच्चे बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन अगर जीवन में बच्चे से कोई गलती हो तो माता पिता को माफ़ करना चाहिए और उसे सही गलत का अंतर बताना चाहिए। जो सपना तुमने अपने बच्चों को लेकर भविष्य में देखा है वह ज़रूर पूरा होगा। और अपने बाबा पर विश्वास रखो, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन कोई भी फैसला क्रोध में कभी ना करो क्योंकि क्रोध तूफान की तरह होता है, जब चला जाता है तब पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। इसलिए इस उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा अपने माता पिता के साथ की ज़रूरत होती है, तो सच्चे मित्र बनकर उनका साथ दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए और उन्हें सही गलत का अंतर बताइए।
तो बच्चे बिल्कुल सही रास्ते पर चलेंगे, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेकिन प्रेम से ही सब कुछ समझाया जा सकता है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव से आप भी गुजरे हो। तो अब अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, बाकी सब बिल्कुल सही होगा और कुछ भी गलत नहीं होगा। अपने बाबा पर विश्वास रखो, सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साई राम, हर हर महादेव।